Audio Jungle. देश भर में चल रहे धारा 370 के माहौल पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महाजन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्मीर के क्षेत्रीय नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो वहां का नेतृत्व करते हैं वही इसका विरोध करते हैं, बल्कि इससे तो वहां का विकास होगा, उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बड़ा बयान सामने आया। स्वतंत्रता के बाद अब भारत के लिए सोचने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। लद्दाख को लेकर किया गया निर्णय अति महत्वपूर्ण निर्णय है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से कुछ भी मेल नहीं खाता। लद्दाख के जनप्रतिनिधि हमेशा से उनकी समस्या अलग होने की बात करते आए हैं। लद्दाख को विशेष दर्जा देने से वहां के लोगों की सालों साल पुरानी मांग पूरी हुई है। अब जम्मू कश्मीर में शांति प्रस्ताव का मार्ग खुलेगा। इस मामले में सभी दलों को सहयोग करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हाथ में पत्थर उठा रहे हैं, यह स्थिति वहां के नेताओं को क्यों नहीं दिख रही? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आने वाले समय में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। जो खुद को नेता मानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। चुनौतियां तो खूब है। मेरा कहना है आज के वहां के जो अपने आप को नेता मानते हैं मगर उन्होंने नेतृत्व जैसा कुछ वास्तव में नहीं दिया, माफ करना मैं ये शब्द बोल रही हूँ, जो मानते तो है कि हम जम्मू कश्मीर के नेता हैं मगर जम्मू कश्मीर को ठीक करने में एक कणखर नेतृत्व वो दे नहीं पाए। अब मेरा उनसे भी निवेदन मैं करूँगी कि अब वो नरेंद्र मोदी जी का भी साथ दें इसमें और मिल करके जम्मू कश्मीर को एक अच्छा नेतृत्व हम देके जम्मू कश्मीर में शांति प्रस्थापित। हमारा आखिरी उद्देश्य तो यही है ना कि जम्मू कश्मीर में शांति प्रस्थापित हो, जम्मू कश्मीर की पंचायतें भी सक्षम हो जैसी हमारी पंचायतें काम करती हैं, जम्मू कश्मीर में विकास हो, जम्मू कश्मीर में उद्योग। अब मुझे एक बात बताओ, अमरनाथ यात्रा रुक गई, नुकसान किसका है आखिर? वहाँ कौन घोड़े चला के ले जाता है, कौन वहाँ दुकानें लगाता है? वहाँ के लोगों का नुकसान हो जाता है। तो अब मैं अभी गई भी थी, बीच में एक कमेटी के अध्यक्ष थी, तो वहाँ वास्तव में वहाँ का जो सामान्य नागरिक है वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस रुक जाता है, दल झील में नाव चलाने वाले कौन है आखिर में? तो कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिकों को अगर शांति का टापू वो बना रहेगा, अगर आना जाना सबका सुकर हो जाएगी वहाँ पर, और हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा जो आज नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं बाकी दृष्टि से मैं कह रही हूँ, वो अगर रहेगा तो जैसे हमारे बाकी प्रदेश अपने आप में विकसित कर रहे हैं, वहाँ का टूरिज्म विकसित हो रहा है, वहाँ का व्यवसाय विकसित हो रहा है, वहाँ के पंचायतें अच्छा काम कर रही, ये सब काम अब जम्मू कश्मीर में होगा। और इसमें मेरा निवेदन है उन सभी नेताओं ने अब केंद्र सरकार का इसमें साथ देना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिए।